ये कैसे मेहमान आ रहे हैं? पता नहीं, कोई खासी होंगे। अरे मेहमान तो सारे खासी होते हैं हीरा, लेकिन हम उनकी सेवा करते करते साला आम और गुठली बन जाते हैं। अरे फुलवा, क्या तेरा बच्चा रो रहा है और तू भेड़ों को फुदका रही है? क्या करूं, अकेली हूं, का का संभालूं? अरे लामक, हम लोग भेड़ों को संभालते, तू जाकर के बच्चे को दूध पिला दे। ये बीच रास्ते में कौन चल रहा है? ए बकरी, बाजू हटो। हमको नहीं, भेड़ों को कह रही है। हॉर्न बजा रहे हो, सुनाई नहीं देता है क्या? हमें सुनाई देता है, भेड़ों को सुनाई नहीं देता। इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? क्या बोला था? अंग्रेजी में तेरी समझ में नहीं आई। अंकल जाइए ना, उन गधों को हटाइए ना। अभी हटाता हूँ, इनकी ऐसी की तैसी। अरे यार, तुम लोग भेड़ हांक रहे हो या नई नवेली दुल्हन को सिनेमा दिखाने ले जा रहे हो? नई नवेली दुल्हन को सिनेमा कैसे ले जाते हैं हमें नहीं मालूम, हमारी अभी तक शादी नहीं हुई। ये काम कुमारी या रंगरूटी कर सकते हैं, देखो मैं कैसे हांकता हूँ। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप, जल्दी हटाइए ना। ओ मैडम, ये भेड़े हैं, मेल समा पीटी उषा नहीं जो हिरन की तरह भागेगी। अरे भाई, तुम इतनी भेड़ बकरियां लेके जा कहां रहे हो? इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने। मुझे क्या बेवकूफ समझता है, ये रास्ता भरतपुर जाता है? ऐसे जाने से हाथ अकड़ जाता है, हाथ नीचे करके जाना। और सुनो, क्या है भरतपुर क्या करने जा रहे हो? वहाँ जाकर दो भैंसे खरीदूंगा, उनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाऊंगा। इडियट, एक मिनट, उधर से मत जाना, आगे पुलिया टूटी हुई है। पुलिया टूटी हुई है? हाँ पुलिया टूटी है। तुम ऐसा करो, वापस 10 किलोमीटर जाओ, फिर दाएं मुड़ जाओ, फिर बाएं मुड़ जाओ, फिर दाएं मुड़ जाओ, सामने भरतपुर होगा। अरे बैठने तो दे। क्या हुआ अंकल? अरे 10 किलोमीटर पीछे चलो, पुल टूटा हुआ है आगे। ओह माय गॉड, ये तुमने उन्हें कहा? अरे उस लड़की ने हमें भेड़ बकरी कहा, उस मुच्छड़ ने गधा कहा, मरने दो, साले चक्कर काटेंगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो। हाय नरेन। करण साहब, इज माय यंगर ब्रदर। बरे नमस्ते। हाय नरेंद्र। मम्मी डैडी दिखाई नहीं दे रहे? हाँ वो कोर्ट में एक केस की सुनवाई थी, इसलिए आज नहीं आ पाए, कल तक आ जाएंगे। बाय द वे, ये है मेरी बहन राधा। नमस्ते। करण साहब नमस्ते। और आप हैं मेरे अंकल, मेरे पिताजी के अजीज दोस्त। अच्छा। रिटायर्ड मेजर रंजीत सिंह। हाउ डू यू डू? हेलो। आइए सर, वेलकम। आइए प्लीज। आइए। आप लोगों को यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ क्या, दो बकरीबाज मिल गए थे, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाकर 20 किलोमीटर खामखा घुमाया और हमारा रास्ता लंबा कर दिया। कैसा बकरीबाज भैया, समझा नहीं मैं। इधर आओ। चेहरा ठीक से छुपाना। हमारे यहाँ बकरीबाज कौन है? कोई नहीं है। क्या? कोई नहीं है। कौन हो सकता है? एनीवे हम पता करेंगे। आप लोग आराम कीजिए। आइए okay. प्लीज हीरा जी, आप लोगों का ख्याल रखना। जी भैया। ए गाड़ी से सामान लेकर आओ। इतना भारी नौकर बना दिया तुझे, चल बस। अरे वाह क्या बात, ब्यूटीफुल। ये है पुराने मरे हुए सुरमाओं का चाकू। चाकू नहीं अंकल, तलवार है। मुझे पता है तलवार है, चाकू मुझे बड़े नहीं होते, बाइबल से मुंह से निकल गया। अरे वाह, यहाँ के नौकर भी अखबार पढ़ते हैं? जरा ठहरो, से हम लोग आए हैं, तुम दोनों अपना चेहरा क्यों छुपाए फिर रहे हो? आज बजरंगबली ने हम दोनों के लिए व्रत रखा है। मेरा मतलब है कि आज हम दोनों ने बजरंगबली के लिए व्रत रखा है, आज हम किसी लड़की का चेहरा नहीं देखेंगे। राधा, ये आवाज सुनी हुई लग रही है। जरूर सुनी होगी, बीबीसी या दूरदर्शन पर। नहीं, ये बकरीबाज की आवाज है। ए इधर घूमो, चेहरा इधर करो, पूरा घूमो, पेपर हटाओ।
तुम लोग, अच्छी बात है, मैं भी ठाकुर साहब से बोलती हूँ। अरे नहीं नहीं, देखिए ठाकुर साहब को कुछ मत कहिएगा, हम आइंदा आपको तकलीफ नहीं देंगे, कृपया हमें माफ कर दीजिए। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, चलो उठक बैठक। हाँ, तुम करो करो करो, तुम भी। ठीक है ठीक है, अब जाओ। चल चल चल। इन दोनों ने हमें 20 किलोमीटर का चक्कर लगवाया, अभी मजा चकाती हूँ। ए, इधर आओ। इससे रनी लॉन्ड्री, मेरा मतलब इस्त्री वाला है। नहीं नहीं, आप लॉन्ड्री बोलिए, मुझको अंग्रेजी आती है। एजुकेशन लेस और अनपढ़ ये है। मैंने आपका बायोडेटा नहीं पूछा, ये बताओ यहाँ इस्त्री वाला है या नहीं। अरे इस्त्री वाला है, हलवाई है, नाई है, कसाई है, धोबी है। ठीक है ठीक है, आओ मेरे साथ। ये लो कपड़े, इस्त्री करवा के लाओ। जी मैं। हाँ तुम, याद नहीं तुम्हारे मालिक ने क्या कहा था, हम जो काम कहें वो करो। जी वो तो ठीक है, लेकिन ये कपड़े तो पहले से इस्त्री क्यों हैं? अब तो इस्त्री के लायक हो गए ना। हाँ अब तो हो गए। फिर देखते क्या हो, ले जाओ। जी बगलोल। अबे तुझे बोल रहा हूँ तुझे। हाँ मेरा नाम धर्मेंद्र है, हीरा मुझे प्यार से मिंद्रा बुलाता है। मैं मिंदर विंदर छचुंदर कुछ नहीं जानता, तू मेरे लिए सिर्फ बगलोल है। मेरा काम कर, ये मेरे कपड़े ले जा और इसी निकला के ले, ले। देखता क्या है, चल जाना। पानी छिड़क के इस्त्री करवाऊं? हाँ, और पीने के पानी से। पीने के पानी से क्यों, मिनरल वाटर से ही। ये क्या कर रहा है? अरे इस्त्री करने से पहले कपड़े गीले करने पड़ते ना, साला भिखारी। जमाल गुटा पिलाकर गांव के कुत्ते पीछे लगा दूंगा। अरे मिंद्रा के फिर कपड़े गंदे होंगे, फिर धोने पड़ेंगे, फिर इस्त्री करने का हुक्म मिलेगा। अरे नौकरों से बदतर कर दिया हमको, जो वो कहें वो हम करें, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। ये नहीं चलेगा हीरा, बस। मिंद्रा मेरी बात सुन। क्या? देखो ये लोग इस घर के खास मेहमान हैं। तो शाइस्ता, जितने दिन के लिए वो यहाँ है तब तक मेरी खातिर तो चुप रहे। क्या तेरी खातिर चुप रहूं, तेरे को तो कुछ महसूस ही नहीं होता है। लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, बस फोर्ड। क्या कर रहे हो अंकल, फोटो खींच रहे हो या मेरा परेड करवा रहे हो? क्या करूं, कैमरे में तुम्हारा चेहरे नहीं दिखाई दे रहा है। मिलिट्री बाबू ढक्कन हटाओगे तो चेहरा नजर आएगा ना। अबे ये कैमरा है, पतीला नहीं जो ढक्कन निकालूंगा इसका मैं। हाँ कैमरा है, पतीला नहीं। मालूम है तू क्या मुझे गधा समझता है क्या? मैंने आज तक गधे को फोटो खींचते हुए नहीं देखा। क्या बोला? अलग मुंह हिला रहा हूँ। अरे बकरीबाज, मैंने तुझी स्त्री के लिए कपड़े दिए थे, वो कहा है? मिलिट्री बाबू, लिटिल मिस्टेक। काहे की मिस्टेक? वो धोबी दारू के नशे में धुत्ता जमीन पे गिर गया, गरम कोयले की स्त्री थी, कपड़ों पे गिर गई। हा? सारे कपड़े जल गए, बड़ी मुश्किल से एक कॉलर बचा कर लाया हूँ, इसके नीचे की नाइट ड्रेस सिलवा लेना। नमस्ते। तुम मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहा है? मेरे कपड़ों की तरह इसका भी जनाजा निकालेगा क्या? धो रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, क्लीनिंग। अरे तेरा सत्यानाश, तो दूसरा कहाँ है? खाना खाने गया लंच। अबे दोनों दिन भर खाना ही खाते रहते हो क्या? तुम्हारी तरह आराम का थोड़ा खाते। क्या बोला? अड़बड़ मुंह हिला रहा था। मुंह हिलाना बंद कर और हाथ पैर चलाना शुरू कर। गधा। अरे सॉरी। क्या बोला? सॉरी। क्या बोला? सॉरी बोला ना। सॉरी बोला ना। अरे तू मेरी गाड़ी को झाड़ू से साफ कर रहा है? अरे झाड़ू से साफ कर रहा हूँ, तलवार थोड़ा चला रहा हूँ। अरे तेरी तो क्या कर रहा है? नकली है। अच्छा अब करो। मालिक, उस स्त्री काफी जवानी जोश में आई। ये गरीब भिखारी दो दिनों से भूखा है। अरे क्या मुझे
पैसा डालिए मालिक, लगता है आपका मुझसे बुरा हाल है, इससे ज्यादा तो मैं भिखारियों को दे देता हूँ। ये कपड़े कहाँ से मिले तुझको? ये तो इस बंगले के मालिक ने दिए हैं, भगवान उन्हें कपड़े की मिल का मालिक बना दे। इसका कॉलर किधर है? इसका कॉलर तो उन्होंने निकाल लिया, कह रहे थे घर में कोई शहरी कुत्ता आया है। कुत्ता? हाँ, उसके गले में पट्टा डालना है। वो देखो मालिक आ गए। ये मालिक है। मालिक आप क्यों नर्वस आ गए? ये आपसे बड़ा दानी नहीं है? नहीं नहीं, ये देखिए 10 पैसा दिया भिखारी ने। मालिक इनको बुला, अब बुला रही है। अरे अरे कहाँ गया? अरे कहाँ है? आ दिखाओ। आ डॉक्टर साहब। क्या 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 आ यहाँ है? वहाँ क्या दिखाने को बोल रहे? अच्छा तुम क्या समझते हो, बिना आ जाने ही मैं डॉक्टर बन गए हूँ? अरे हम MBBS है, MBBS। उसे मुंह खोलने के लिए कहा। आ आ आ आ आ आ हल्का सा बुखार है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। अरे नहीं डॉक्टर साहब, देखिए इंजेक्शन मत दीजिएगा, गोलियां दे दीजिए, इंजेक्शन देने से बहुत दर्द होगा। अरे छोटा सा इंजेक्शन है, दर्द नहीं होगा, आजकल बच्चा ले लेता है। सब प्लीज मेरी बात सुन, मेरी बात सुनिए, देखिए इंजेक्शन मत दीजिए, इसे बहुत दर्द होगा। ओके, यू गिव इंजेक्शन, यू गिव टैबलेट्स, यू गिव मेडिसिन, आई गो। अरे आई गो डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर मैं हूँ या तुम? नहीं डॉक्टर साहब तो आप ही हैं, लेकिन ऐसा करते हैं आप मुझे इंजेक्शन दे दीजिए, मैं देखता हूँ मुझे दर्द होता है। ऐसा करिए मैडम, आज कम टू गेट आउट। हीरा बाहर जाओ। अरे गौरी तुम्हें, प्लीज बाहर जाओ। चलो जाओ, ऐसे जाओ, जाओ ऐसे। हाँ, जा रहे। गोली देना गोली। देखा, इंजेक्शन दे दिया उसे, हल्का सा बुखार है, इंजेक्शन दे दिया उसे। अरे कितना दर्द हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा, जाओ। देखो दर्द हो रहा है ना, तुम गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? पूछने जा रहा हूँ, फिर कब आना है? चलो जाओ जाओ, आ जा मित्र। हाँ जो चलो, हो गया। हाँ जी, हाँ बताते हैं। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा टेस्ट है। टेस्ट है? हाँ। क्या टेस्ट? ये दिखाने के लिए। हाँ, दिखाने के लिए कि इंजेक्शन देने से कितना दर्द होता है। हाँ बता दे बस, और कुछ इंजेक्शन। आप पता चला दर्द क्या होता है, हर बात पे इंजेक्शन देने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर 8 नंबर के पेशेंट को इंजेक्शन दे दो। नो इंजेक्शन, ओनली टैबलेट्स। मिंद्रा, मैं आज तक तुम पर बहुत चीखा चिल्लाया, गधे की तरह काम करवाया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, और वैसे भी अगर मुर्गी चूजे को लात मार दे तो चूजा नाराज थोड़े ही होता है। तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। अरे नीचे नहीं ऊपर बैठो। नहीं नहीं सर, आपके साथ बैठूं इतनी मेरी मजाल नहीं है। तुम्हारे लिए पैक बनाऊं? नहीं नहीं साहब, आपके साथ बैठकर पीने की मेरी औकात नहीं है। अरे छोड़ो यार, पीने में जात और औकात थोड़ी देखी जाती है। ये ला। यो यार, आपकी इज्जत की खातिर पी रहा हूं। एक बार बताओ मिंदर, तुम पढ़े लिखे हो, मेहनती हो, फिर ये जिल्लत भरी गुलामी करके अपनी जिंदगी की मिट्टी पलीद क्यों कर रहे हो? तो क्या करूं, बंदूक लेकर चंबल का डाकू बन जाऊं क्या? मैं मतलब चंबल का डाकू बन जाऊं क्या सरकार? एक काम कर सकते हो जी, कोई काम कर सकते हो, धंधा कर सकते हो, पैसे नहीं है तो मैं देता हूँ, ये लो। नहीं नहीं सर, लो यार, मुझे नहीं चाहिए। रखो लो। अब एक बात बताओ मिंद्रा, ये जो लड़की अभी आई थी, ये सब रख के गई है, ये कैसी है? लड़की जैसी है। अरे वो तो मुझे मालूम है यार, मतलब है कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, जालिम सिंह से पूछ कर बताऊंगा। जालिम सिंह कौन? इस काम वाली का मर्द है। मर्द? हाँ।
कुछ दिन पहले एक दूसरे आदमी ने भी इससे ही पूछा था, तो जालिम सिंह ने उसके हाथ पांव काट दिए थे। आजकल जेल में है, 28 तारीख को छूट कर आ रहा है। आज का तारीख है 26, परसों। तो मिलिट्री, चल एक सिगरेट दे। मिलिट्री सिगरेट दे। अरे जल्दी कर। अरे जलाएगा कौन तेरा बाप? तो तू क्या कह रहा था उस काम वाली लड़की के बारे में कि तू उसके साथ क्या करना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे तू कुछ बोला था ना? अरे नहीं भाई, बोल रहा था ना, मुंह से निकल गया यार, जानते ना बाद में दम नहीं है। चल शराब डालो। और एक मिनट, तू ज्यादा मत पी, तेरे हो गई है। मैं क्या तेरा नौकर हूँ? जब तू कहेगा पीना शुरू कर दूं, और जब तू कहेगा मैं बंद करना शुरू कर दूं। देख तू बदतमीजी करने लगा है। अरे बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? पहले तू आके मुझे कहता है कि गांव की छोकरी के साथ मेरा काम करवा, और उसके बाद तू कहता है कि गांव वालों के सब लड़कियों के साथ कुछ करना चाहता है। तुम लोग जो कोई इस तरह के लोग ख्याल दिल में कभी ना। ए टेलीफोन महाराज, हमारे देश में तुम्हारी हालत बहुत खराब है, मगर यहाँ कभी डेड मत होना और ना ही कभी रॉन्ग कनेक्शन करना। मेरी कमाई का जरिया सिर्फ तुम हो, तुम गए तो मैं भी गया। जय हो भारतीय टेलीफोन निगम की। शुभ मुहूर्त पर शुभ घंटी बजी है। हेलो धर्मेंद्र, मैं मेजर रंजीत बोल रहा हूँ यार। हेलो मेजर साहब, कैसे हैं आप? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, मगर तू मेरे पैसे कब लौटा रहा है? मेरे 10,000। हेलो मेरे पैसे कब? हेलो मेरे, हेलो 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 मैं, हेलो मैं, हेलो मैं, हेलो मैं। मुहूर्त वाले दिन सबसे पहले इसी का फोन आना था। भाई साहब क्या है, निकलो यहाँ से। मुहूर्त वाले दिन तुम सुबह ही भीख मांगने आ गए? मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ। अरे मेरे मोबाइल की बैटरी वीक हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे बूथ से मुंबई एसटीडी करने आया हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, ग्राहक तो भगवान होता है, भिखारी नहीं होता। आओ अपने इन भीख मांगने वाले हाथों से इसका मुहूर्त करो। करो करो साइड। हेलो। हाँ बोलो भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते, पर्सनल है? वो महालक्ष्मी मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर जो भिखारी अंधे की एक्टिंग कर रहा है वो मेरे मामा है, जरा उसको बुलाइए। तुम लाइन में रहो, मैं बुलाता हूँ। ठीक है साहब। अरे ये फोन रख के कहाँ जा रहे हो? उसने लाइन में खड़े रहने को बोला। ये फौजी यहाँ कहाँ से आ गया? अपना 10,000 मांगने आया होगा, इसने मुझे देख लिया तो छोड़ेगा नहीं। छुप जा। कौन है? धर्मेंद्र है जी, वो बाहर गए हैं दर्जी के पास लेकर और बंदी का नाप लेने। आप कौन है? मैं धर्मेंद्र की छोटी बहन कम्मो बोल रही हूँ। आप जरा बाहर आएंगी? बाहर ना बाबा ना, पराए लोगों के सामने आने के लिए धर्मेंद्र भैया ने मना किया है। कहते हैं मर्दों की नजर ऊंची हो गई है, नजर कहीं होती है निशाना कहीं और, मैं नहीं आती बाहर। आप घबराइए मत, मैं नजर और निशाना एक ही जगह पे रखूंगा। फौजी हूँ, बैलेंस मैन वाला। ना बाबा ना, खूबसूरत लड़की को देखकर बड़े बड़े अनबैलेंस हो जाते हैं। शाम को भैया आएंगे, आपको जो कुछ कहना है उन्हीं से कहना। ठीक है तो मैं शाम को आ जाऊंगा। बाय बाय बाय। लगता है उल्लू बना दिया, शाम को मिलूंगा ही नहीं, एसटीडी बंद करके निकल जाता हूँ मैं। हाँ एक्सक्यूज मी, कौन है जी? मेरा नाम चंपा है, सुना है आपको एक खूबसूरत और जवान ऑपरेटर की जरूरत है। आप जवान और खूबसूरत दोनों हैं? जी इत्तफाक से, भरतपुर के जवान लड़के मुझे सपने में देख के जाने क्या क्या करते रहते हैं। मना रहा हूँ,
आ रहा हूँ। ये रही आपके सामने। क्यों बे, तू मुझे क्या बेवकूफ समझता है, उल्लू का पट्टा समझता है? अबे मैं तेरे से बड़ा नौटंकी बाज हूँ, चल पैसे निकाल। अभी नहीं है, टेलीफोन बूथ पर खर्च हो गए। तुम ऐसा करो, इस महीने की 35 तारीख को आ जाना। अगर 35 तारीख तक तूने पैसे नहीं दिए तो मैं ये सब तोड़ फोड़ के फोन उठा के ले जाऊंगा, याद रखना। हाँ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 35 तारीख? अब एक बात बता, इस गांव में कितने दिन का महीना होता है? तुम मेरी बात का जवाब दे। सामने वाला बोल, हाँ वो साथ वाली खिड़की आपसे। अच्छा नहीं यार, 35 तारीख रुको ना यार। अरे तुम भाई, तुम 35 तारीख कहाँ है, तू बोला। हाँ तुम काका, काकी कैसी है? हाँ उनसे कहना मैं दिवाली पर आकर मिलूंगा, और अगर उनको पैसों की जरूरत हो तो मुझे टेलीग्राम कर दे। अबे मेरे पैसे, एक मिनट। हाँ टेलीग्राम कर दे, मैं उनको मनी ऑर्डर भेज दूंगा। काकी को मेरा प्यार देना। ओके बाय बाय टाटा, सी यू। एक बात बता, ये तेरा काका तुझसे बात करते वक्त इतना कंफ्यूज क्यों था? काका काहे का काका, मैं तो इसको जानता भी नहीं, मैं तो उंगली कर रहा था। ये साले लड़ झगड़ के बस पे चढ़ जाते हैं और फिर धक्का मुक्की करके खिड़की वाली सीट पर कब्जा करके सो जाते हैं, साले सुस्त मुर्गे। अब ये सारे रास्ते परेशान रहेगा ये सोच सोच के कि खिड़की पर सर मारता रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं इसे कहाँ मिला था, मेरा इसके साथ कैसा रिश्ता है, वगैरह वगैरह। एक बात बता, ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है? मजा आता है। मजा आता है तो 35 तारीख कभी आएगी, मेरा पैसा कभी आएगा? वो आ गई मैं। नहीं नहीं आपने, वो आपको बुला रहे हैं। नहीं भाई साहब, आपने बहन जी, आपने, आप ही नहीं, वो ये आपको बुला रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ नहीं, पीछे वाला। सुनो उधर देखो। क्या क्या रे, कैसा है? अरे बड़े भाई कैसे हो, भाभी कैसी है, ठीक ठाक है ना? उनसे कहना कि तेल खरीद के रख ले, दिवाली में दिया जलाने के लिए मैं आ रहा हूँ, सुन रहे हो ना? दिन को रंगीला देखेंगे, रात में दिवाली मनाएंगे, एक लीटर दारू पिएंगे, क्या? ओके बाय चिरियो। क्या तेरा भाई था वो? अरे काहे का भैया, उसको कोई काम नहीं है, आने जाने वालों को बेवकूफ बनाता है, आज मैंने बेवकूफ बना दिया। एक बात बोलूं, तू सबको उंगली करता है, वो तुझे उंगली कर गया। अरे काहे की उंगली, मेरे बचपन का दोस्त था, स्कूल में साथ पढ़ते थे हम। बचपन का दोस्त है, तेरे बेटे की उम्र का है? अरे वो तो एक ही क्लास में बहुत बार फेल हुआ था ना, इसलिए बड़ा ही नहीं हुआ, समझे? भाइयों और भाइयों, आज तक आप लोगों ने केवड़ा ठाकुर की बसों में सफर किया है। अब ये बस ना डिलक्स है ना लग्जरी, लेकिन फिर भी इसमें आपको एयर कंडीशन बस का मजा आएगा। पूछो कैसे? कोई पूछता नहीं यार। अरे पूछो ना कैसे? वैसे कि इस बस में हमने जो कंडक्टर रखा है वो रखा नहीं है, रखी है, एक फुलझड़ी है, उस फुलझड़ी का नाम है करिश्मा। रुकी ना दिल की धड़कने, करिश्मा टिकट बांटो। कहाँ की काटू? अजी आप कहाँ कहाँ की काट सकती हो? ए इडियट, ये बाल नहीं काटती, टिकट काटती है। टिकट? अलीबाग। अलीबाग का तो सिर्फ 2 रुपए का टिकट होता है यार। अरे अलीबाग जाकर क्या करोगे? अलीबाग में मेरा घर है। और घर जाकर रोज की तरह बीवी की मार खाएगा। इससे अच्छा है करिश्मा के साथ सफर का मजा लो, झूमरी तलैया जाओ, वापसी में अलीबाग में उतर जाना, अलीबाग के 2 रुपए और झूमरी तलैया का 20 रुपया। ऐसा क्या? ये लो 20 रुपए। तुम्हारी कहाँ की? अलीबाग की, लेकिन झुमरी तलैया से वापसी में उतरूंगा। चढ़ जाओ। एक टिकट देना झुमरी तलैया, 20 रुपए निकालो। 30 रुपए? 30 रुपए क्यों? दूसरी बस वाले तो 20 रुपए लेते हैं, तुम 30 लोगे? अरे दूसरी बस सिर्फ डीलक्स होती है, हमारी बस सुपर डीलक्स है, वो देखो। हाँ तो कैसी है सुपर डीलक्स? बहुत अच्छी है साहब, बहुत अच्छी है। ठीक है 30 रुपए निकालो। 30 रुपए क्या साहब, मैं तो 50 दे सकता हूँ, ये लीजिए। ये लो टिकट, कल आ जाना। कल?
और नहीं तो क्या, अभी ये लोग बेचारे कल रात से लाइन में खड़े, अभी इनको टिकट मिला इसलिए बस में जा रहे हैं। उधर देखो ये कल के एडवांस के लिए अभी से लाइन में खड़े हुए। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे नहीं हो सकता, तो पैसे वापस दो। मैं कल आ जाऊंगा। अरे बस वाले बाबू, मेरा भी टिकट काट दो। उधर कहां जा रहे हो? टिकट काउंटर यहाँ है भैया, यहाँ है। इधर है, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूँ ना। अरे तो तुम काहे को बस में चढ़ रहे हो भैया? तुम्हारे जैसे लोग बस के ऊपर नहीं चढ़ते, बस तुम्हारे ऊपर चढ़ती है। जाओ जाके बस के नीचे लेटो। दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ? छू कर मजा तो ले सकता हूँ ना। ऐसा आदमी है, देयर इज लेडी कंडक्टर, कहाँ है? अरे 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 अरे, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर।